हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस ईशा सिंह के बारे में। कलर्स टीवी के शो इश्क का रंग सफ़ेद, जी टीवी के एक था राजा एक थी रानी और जी टीवी के ही इश्क सुभान अल्लाह जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी ये एक्ट्रेस आज उनके शो बेकाबू के लिए भी जानी जा रही हैं। ईशा ने 17 साल की उम्र में टीवी पर डेब्यू किया था और उस उम्र में उनको पहला रोल एक विधवा का मिला था। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतनी कम उम्र में कैसे ईशा ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। ईशा सिंह का जन्म 24 दिसंबर 1998 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी फैमिली में उनकी माँ हैं, पापा हैं और एक छोटा भाई रुद्राक्ष भी है। ईशा की माँ पेशे से एक राइटर हैं। ईशा बचपन से ही काफ़ी कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट लड़की रहीं। उनकी स्कूली पढ़ाई भोपाल के ही एक प्राइवेट स्कूल से हुई। ईशा जब 4th स्टैंडर्ड में थी तभी से वो एक्ट्रेस बनने के सपने देखने लगी थीं, लेकिन कुछ बड़ी होने के बाद वो इस सपने से भटक गईं। हालांकि तब भी वो एक बच्ची ही थीं। कभी वो डॉक्टर बनने के, कभी इंजीनियर बनने के तो कभी एयर होस्टेस बनने के बारे में सोचने लगी थीं। लेकिन कुछ साल बाद जब वो समझदार हुईं तब उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्हें अपना करियर एक्टिंग में ही बनाना है। हालांकि उन्हें ये भी पता था कि एक्टिंग फील्ड में लाखों की भीड़ है जिनमें से कुछ गिने चुने लोग ही कामयाब हो पाते हैं। ईशा उस भीड़ में जरूर थी पर उनका एक छोटा सा लिंक टीवी इंडस्ट्री में भी था क्योंकि उनके एक अंकल टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। जब ईशा 16 साल की थी तब उन्होंने बॉलीवुड में एक ऑडिशन दिया था और उन्हें ये रोल मिल गया था। ये मूवी जॉन अब्राहम प्रोडक्शन में बनी जिसमें ईशा ने एक छोटा सा रोल किया था। ये मूवी थी 17 को है शादी। इसके कुछ टाइम बाद ही जब जीटीवी के शो इश्क का रंग सफेद के ऑडिशन शुरू हुए तो ईशा के उन अंकल ने ईशा से बोला कि तुम इस शो के लिए ऑडिशन दे दो, क्योंकि ईशा को शो में एक विधवा के रोल के लिए ऑडिशन देना था। इसीलिए अंकल ने पहले ईशा की माँ से बात की, लेकिन ईशा को ऐसा ही कोई चैलेंजिंग रोल करना था इसीलिए ईशा ने अपनी माँ से बोल दिया कि उन्हें ये रोल करना है। ईशा ने 17 साल की उम्र में विधवा का रोल करने का फैसला लिया जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, पर ईशा की माँ ने अपनी बेटी का साथ दिया और ईशा की ऑडिशन वीडियो शूट करवा कर प्रोडक्शन हाउस को भेज दी। ये ऑडिशन वीडियो भेजने के एक महीने के बाद ईशा को शो में रोल मिलने का कन्फर्मेशन कॉल आ गया। इश्क का रंग सफ़ेद शो में ईशा ने धानी नाम की विधवा का रोल निभाया था जिसके प्यार में एक कुंवारा लड़का पड़ जाता है। ईशा तब 11th क्लास में थी। हालांकि शो की शूटिंग की वजह से वो स्कूल में रेगुलर नहीं रह पाई। शो में ईशा की एक्टिंग को और उनके रोल को बहुत पसंद किया गया इसीलिए ये शो उस टाइम काफी सक्सेस रहा। इस शो में जब उनका रोल माँ का होने वाला था तभी उन्होंने ये शो छोड़ दिया क्योंकि वो माँ का किरदार नहीं निभाना चाहती थी। इसके बाद ईशा को जी टीवी के शो एक था राजा एक थी रानी में काम करने का मौका मिला। इस शो में उन्होंने रानी सिंह, रानी चौहान और नैना नाम के 3 किरदार निभाए। इसमें भी उनकी एक्टिंग और हर किरदार को अच्छे से निभाने के लिए खूब सराहा गया। इसके बाद साल 2018 में वो फिर से जी टीवी पर ही इश्क सुभान अल्लाह शो में नजर आई जिसमें उन्होंने जारा सिद्दीकी नाम की एक मुस्लिम लड़की का रोल प्ले किया। इस शो में उनके को स्टार एक्टर अदनान थे जिनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बहुत से लोगों ने इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग देखते हुए बोला कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर ईशा ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। साल 2020 में ईशा प्यार तूने क्या किया शो के एक एपिसोड में भी नजर आईं। इसके बाद ईशा ने साल 2022 में सिर्फ तुम नामक शो में सुहानी शर्मा ओबेराय का रोल प्ले किया। ये शो ज्यादा लंबा नहीं चला। साल 2023 में ईशा को कलर्स टीवी के शो बेकाबू में काम करने के लिए चुना गया। इस शो में ईशा बेला नामक किरदार निभा रही हैं। इस शो में उनके अपोजिट फेमस एक्टर शालीन भनोट काम कर रहे हैं। इन शोज के अलावा ईशा कई शोज में स्पेशल अपीयरेंस भी दे चुकी हैं और वो कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं। दोस्तों, ईशा एक नेचर लवर, बुक्स लवर और मूवी लवर इंसान हैं, साथ ही उन्हें म्यूजिक से भी प्यार है। ईशा की सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो वहाँ फोटोशूट और रील्स वीडियो अक्सर डाला करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी एक्ट्रेस ईशा सिंह की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है।
साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।